अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज जितेंद्र मान की गोली मारकर हत्या। 48 घंटे तक फ्लैट में पड़ा रहा शव। कमरे से शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतल, एक खाली गिलास बरामद। फ्लैट की चाबी और मृतक का मोबाइल गायब। ग्रेटर नोएडा में एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज की हत्या से सनसनी फैल गई। मुक्केबाज जितेंद्र मान की हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा नहीं हुआ। हत्या का ये मामला पुलिस के लिए खुली चुनौती है। हत्या के 48 घंटे तक जितेंद्र की लाश फ्लैट में ही पड़ी रही। तारीख 12 जनवरी 2018। जगह एवीजे हाइट्स सोसाइटी। थाना सूरजपुर। जिला नोएडा, उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को एक बॉक्सर की दिन दहाड़े हत्या की खबर ने इलाके में सनसनी मचा दी। जितेंद्र मान नाम के इस बॉक्सर का शव सूरजपुर थाना क्षेत्र के एवीजे हाइट्स अपार्टमेंट में उसके अपने फ्लैट में मिला। पुलिस को शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना मिली थी कि जितेंद्र को 4 गोलियां लगी हैं। जितेंद्र इन दिनों इसी इलाके में अल्फा वन में चल रहे एक जिम में ट्रेनर के रूप में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि जितेंद्र मान जूनियर लेवल की बॉक्सिंग में इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी रह चुका है। वो कई देशों में खेलने के लिए भी जा चुका है। जितेंद्र के परिजनों की माने तो पिछले 3 दिनों से जितेंद्र के दोस्त उसे फोन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया था। जब दोस्त उनके घर पहुंचे तो वो घर पर नहीं मिले और फ्लैट का ताला लगा था। माना जा रहा है कि जितेंद्र की हत्या कई दिन पहले कर दी गई थी और हत्या के बाद उसका शव फ्लैट के अंदर ही छोड़कर हत्यारे भाग निकले थे। जितेंद्र के फ्लैट की एक चाबी फिटनेस एकेडमी के संचालक प्रीतम टोकस के पास थी। जितेंद्र के बारे में जब कुछ पता न चला तो प्रीतम ने शुक्रवार 12 जनवरी की दोपहर फ्लैट पर जाकर अपनी चाबी से ताला खोला। तब उन्हें पता चला कि अंदर जितेंद्र मान का शव गोलियों से छलनी पड़ा था। उन्होंने इसकी सूचना फौरन ही पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे साथ ट्रेनर थे। कैसे पता पड़ा, क्या कुछ हुआ? इनका फोन नहीं लग रहा था, फोन मिला रहे थे, 2 दिन हो गए थे। उसके बाद में पता चला है। कैसे पता चला? 6:12 फिर हमारे बॉस का फोन आया था कि जाके एक बार देखो फ्लैट पे क्या हुआ है क्या नहीं। फिर हमें पता चला, फिर आए बॉस ने बताया, फिर हमें फोन से फिर हम सब आए जिम डॉक्टर इधर आए। अच्छा, क्या आपको कोई जानकारी है क्योंकि किसी कोई लड़ाई थी, कोई विवाद नहीं? बहुत अच्छे इंसान थे, ऐसा कुछ नहीं था और हमें भी कुछ समझाते थे, बहुत समझदार थे। बॉक्सिंग के चैंपियन वगैरह हैं? हाँ जी, कई मेडल जीते हैं इन्होंने और बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं। ये सबसे हाई लेवल पे हमारे ट्रेनर, वेट लॉस कराने में बहुत अच्छे इंसान थे। एसपी सुनीति सिंह के मुताबिक हत्या करने के बाद बदमाशों ने फ्लैट का दरवाजा बंद कर दिया और जितेंद्र का मोबाइल भी अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया कि जितेंद्र के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया गया है और अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, जिसकी मदद से बदमाशों की पहचान की कोशिश जारी है। देखिए ऐसा, आज 1:30-2 बजे के आसपास हमको ये सूचना मिली थी कि थाना सूरजपुर क्षेत्र में सोसाइटी है एवीजे हाइट्स, वहाँ पे 6th फ्लोर में एक घर में डेड बॉडी है। यहाँ आकर मौका मुआयना किया गया। इनका नाम था जितेंद्र मान, ये जिम ट्रेनर थे पर कासना क्षेत्र में एक जिम में, और इनके परिजन आ गए हैं, परिजन से बात करी जा रही है। पिछले 2 दिन से, जितना अभी तक समझ आया, पिछले 2 दिन से देवर अनट्रेसेबल बार फैमिली, तो आज परिजनों ने आकर घर पे आके चेक किया तो जिनके पास चाबी थी उन्होंने जब खोल के देखा तो अंदर उनकी डेड बॉडी लगी हुई थी। ये मामला ऐसे फिर उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और हम लोग आए। मैम कितनी उम्र है, क्या लग रहा है किस तरह से इनकी हत्या हुई होगी, और क्या चाबी गेट मतलब बंद था, चाबी से बंद किया गया है? मैं आपको बता देती हूँ, 26-27 साल की इनकी उम्र है, पुरुष हैं, और जैसे कि मैंने बताया 2 दिन से पिछले अनट्रेसेबल थे, तो जब फैमिली इधर आई उन्होंने आके देखा तो हाँ दरवाज़ा लॉक था, तो उनके पास जो चाबी थी उससे उन्होंने खोला और अंदर जाके देखा तो ये बेड नहीं है, वो गद्दे बिछे हुए अंदर वाले कमरे में, उसमें उनका शरीर पड़ा हुआ था।
किस तरह से हत्या की गई, क्या लग रहा है? हम मान के चल रहे हैं इट्स अ गनशॉट वुंड, एक बार पीएम भी क्लियर कर देगा। अच्छा मैम, क्या ये बॉक्सर भी रहे हैं? हाँ, इन परिवारजन ने ही बताया है ये बात, ये बॉक्सर रहे हैं, शायद खेले हैं, शायद इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है। वही बॉक्सर के पड़ोस में रहने वाली एक महिला का कहना है कि सोसाइटी में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, हर कोई बिना रोक टोक सोसाइटी में घुस जाता है, कोई जांच नहीं होती, यहाँ लाइट का भी सही इंतजाम नहीं है। शिकोटी को लेकर हम इतना परेशान है, शिकोटी के नाम पे धप्पा है, कोई भी आ रहा है कोई जांच पड़ताल नहीं होती कि अंदर कौन आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, ना पूछेंगे कि आपको किस फ्लैट में जाना है, कोई एंट्री नहीं होती है ना गाड़ियों की ना किसी चीज़ की, फॉर्मेलिटी हो जाती है, कोई भी आएगा वेरियल खोल दिया जाएगा, लाइट कोई भी नहीं जलती है, नीचे गार्ड्स बैठे रहते हैं रात को, ना गार्ड्स का पता होता कि कहाँ है, लाइटें नहीं होती है, कुछ भी नहीं है। शिकोटी के नाम पर ये समझो कि बहुत ही बुरा, और सबसे ज्यादा बैचलर को लेकर यहाँ पर हम परेशान हैं, ये बैचलर क्यों दिया जाता है, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं कराई जाती पुलिस से, दे देते हैं, अगर ओनर से बात करो कि क्यों दे रहे हो, हमारा फ्लैट है हम जिसे मर्जी दे, और सबसे बड़ी इसमें फॉल्ट होता है बिल्डर्स का, जो उन्होंने अपने ऑफिस में रख रखे हैं मेंटेनेंस वालों को, वो क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर की हत्या का ये मामला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को पूरा करने में पुलिस मुस्तैदी से लगी है। आखिर बॉक्सर की हत्या का रहस्य क्या है, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। गुनाह के लिए क्राइम डेस्क से भानु दीक्षित की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर, इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।